हेलो फ्रेंड्स, हम आए हैं पार्ट टू में और इसमें हम पहले क्या पढ़ रहे थे, बिल्डिंग एट ब्रिजेस। ओके, तो अब हम आगे का पढ़े। चलो, हम पढ़ रहे थे ब्रिजेस, है ना। ब्रिजेस का आगे पढ़ते हैं। अर्लियर ब्रिजेस वर मेड अप ऑफ सिंपल लॉग्स ऑफ वुड और वुडन प्लैंक्स प्लेस्ड ओवर स्ट्रीम्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स टू क्रॉस ओवर। पहले कैसे थे, पहले नॉर्मल वुड के थे, वुडन प्लैंक्स के थे, जो कि स्ट्रीम्स होते थे नीचे, और ये पीपल और एनिमल्स को क्रॉस करने के लिए बना थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोर एलोबरेट एंड स्टर्डी ब्रिजेस वेर बिल्ट। अब इतने स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस करते हैं। Nowadays, iron and steel bridges with concrete framework are built. अब देखो ऐसे ब्रिजेस बनने लगे हैं, है ना। आप इस पिक्चर को देखो, देखिए ऐसे ब्रिज बनते हैं आजकल। ओके, अब आगे क्या पढ़ते हैं। Constructing a bridge is not a simple task. ये कोई सिंपल टास्क नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। आपको ऊपर से यहाँ तक अच्छे से करेक्ट प्रोपोर्शन में रखना होता है, है ना। इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग। जो ना ये मॉडर्न ब्रिज है ना, इसके लिए तो बहुत ज्यादा प्लानिंग चाहिए। बिग पीसेस ऑफ इक्विपमेंट एंड लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एंड मनी। बहुत सारा मनी और बहुत सारा टाइम की जरूरत पड़ती है। क्या बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए। टेम्पररी ब्रिज बिल्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैन बी टेकन अपार्ट, बट परमानेंट ब्रिजेस स्टे फॉर एवर। जो ये टेम्पररी ब्रिजेस थे ना, वो सिर्फ बिल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत जल्दी बन जाते थे, यानी इतनी भी जल्दी नहीं। इनके लिए भी थोड़ी देर लगती थी, पर ज्यादा नहीं लगती थी। पर और ये स्ट्रॉन्ग भी नहीं रहते थे, आपको ध्यान से चलना पड़ता था। एक ही बार में एक ही इंसान जा सकता था, पर इसमें एक ही बार में कितनी बार कितनी सारे इंसान जा सकते हैं, है ना। और ये परमानेंट जो ब्रिजेस है ना, ये स्टे फॉर एवर, यानी हमेशा के लिए ये स्टे रहते हैं करेक्ट पे। अब आते हैं टेस्ट योर नॉलेज में। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हैव यू सीन अ ब्रिज इन योर सिटी। मैंने तो नहीं देखा, तो मैं ये इस पे टिक कर रही हूँ। आपने कभी देखा है तो बताइए। इज इट ओवर अ रिवर और डज इट कनेक्ट हिल्स और माउंटेन। मैंने नहीं देखा इसलिए। डज इट हैव रोड और रेलवे ट्रैक। नहीं, आपको जरूरी नहीं है ये सब करने का, मैंने जो किया है वही है। अगर आपने ब्रिज देखा है तो ठीक है, पर अगर आपने नहीं देखा है तो मेरी तरह ही कीजिए। अब टाइप्स ऑफ ब्रिज, अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ ब्रिज के बारे में। हमने ब्रिज पढ़ा, वाटर ब्रिज, ये सारे ब्रिज है। अब कितने टाइप्स होते हैं ब्रिज के, वो भी हम पढ़ेंगे। अ बीम ब्रिज इज अ परमानेंट ब्रिज। ये जो आपको इसकी पिक्चर दिख रही है ना, देखिए देखिए देखिए, आपको ये जो दिख रहा है ना, ये है हमारा बीम ब्रिज। ये क्या है, ये है हमारा बीम ब्रिज। ओके, बीम ब्रिज इज अ परमानेंट ब्रिज। ये हमारा परमानेंट ब्रिज है, मेड ऑफ लॉग्स। किससे बना है ये, लॉग से, यानी वुड के जो लॉग्स होते हैं ना, जो पेड़ का नीचे का साइड होता है, घास के नीचे का, वो कंक्रीट एंड स्टील बीम सपोर्टेड बाय पिलर्स। गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ कि लॉग्स कैसे होते हैं। यहाँ पे बोर्ड पे आइए, ये देखिए। बिल्डिंग एंड ब्रिजेस वाले लेसन में हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। ओके, अब मैं आपको दिखाऊंगी व्हाट इज अ लॉग। जो लोगों को लॉग नहीं पता है, वो यहाँ पे देखे देखिए, ये है हमारा पेड़, है ना। ऐसे इसे हम पेड़ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे घास भी होती है। और जब इस पेड़ को काटा जाता है ना, या फिर जो ये वाला पार्ट है ना, जब काटा जाता है और इसे जो ये ऊपर की घास हट जाती है, तो जो यही वाला पार्ट होता है ना, हम इसको लॉग कहते हैं। क्या कहते हैं, हम इसे लॉग कहते हैं। अब अंडरस्टूड व्हाट इज अ लॉग। लॉग इज द लोअर पार्ट ऑफ अ ट्री। ओके,
अब वापस आते हैं हमारे आगे के लेसन पे। चलो यहाँ पे तो हम आगे के लेसन पढ़ते हैं। फ्लाई ओवर एंड पेस्टेड्रियन ब्रिज फॉलो दिस टाइप ऑफ डिजाइन। ऐसे जो ब्रिज है ना, ये भी ऐसे टाइप ऑफ डिजाइन ही फॉलो करते हैं। एंड आर्क ब्रिज इज शेप्ड लाइक एन आर्क सपोर्ट बाय द अबॉटमेंट्स एट बोथ एंड्स टू सपोर्ट द लोड ऑफ आर्क। आर्क ब्रिज ना ऐसे शेप्ड होते हैं, देखो ऐसे सर्कल, देखो ये पिक्चर, ये एक आर्क ब्रिज है और ये एंड तक, एंड स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होते हैं और इसके ऊपर ये ब्रिज होती है। ओके, इट इज स्ट्रॉन्गर देन अ ब्रीम ब्रिज। इस ये जो स्ट्रॉन्ग होती है ना, इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है हमारा आर्क ब्रिज। ओके, अब आते हैं सस्पेंशन ब्रिज पे। व्हाट इज अ सस्पेंशन ब्रिज, आप यहाँ पे देख रहे हो, ये है सस्पेंशन ब्रिज। देखिए, अ सस्पेंशन ब्रिज हैज हाई टावर सपोर्टिंग स्टील केबल्स फ्रॉम विच रोडवेज हैंग। ये जो सस्पेंशन ब्रिज है ना, इसके पास बहुत बड़े बड़े टावर्स। आप इस पिक्चर पे देखो, अब इस पिक्चर को ही नोटिस करो, देखो कितने बड़े बड़े टावर्स है ना, और ये ना सपोर्टिंग बाय स्टील केबल्स फ्रॉम विच रोडवेज हैंग। ये देखो रोडवेज, द केबल्स सपोर्टेड बाय द टावर आर मेन केबल्स एंड द केबल्स जॉइनिंग द मेन केबल टू रोडवेज आर कॉल्ड सस्पेंडर केबल्स। ओके, अब द फेमस लक्ष्मण झूला इन ऋषिकेश इज अ सस्पेंशन ब्रिज। ये जो लक्ष्मण झूला वाला ब्रिज है ना, ये सबसे फेमस ब्रिज है और ये कहाँ लोकेटेड है, ये ऋषिकेश में लोकेटेड है। ओके, अब लास्ट ब्रिज पे आते हैं जो कि है हमारा कैंटिलीवर ब्रिज। अब ये क्या है, देखिए आप ये पिक्चर देखिए, ये है हमारा कैंटिलीवर ब्रिज और इसे ये वाला लंदन ब्रिज है। ओके, ये देखो यहाँ पे एक हाफ है, इसका आधा और यहाँ पे आधा होता है। द कैंटिलीवर ब्रिज हैज टू सेपरेट हाफ दैट आर सपोर्टेड बाय टू बीम्स। यहाँ पे बहुत सारे बीम्स लगे होते हैं बीम ब्रिज पे, पर जो कैंटिलीवर ब्रिज है वो उसके पास सिर्फ दो ब्रिज होते हैं, यहाँ एक यहाँ मिडल पे कनेक्टेड होता है। ओके, अनदर बीम ज्वाइंस द टू इन द मिडल। यहाँ से लेकर स्टार्टिंग से लेकर एंड तक होता है। द फेमस लंदन ब्रिज इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैंटिलीवर ब्रिज। ये जो लंदन ब्रिज है ना, ये भी एक कैंटिलीवर ब्रिज है, यानी ये एग्जाम्पल है कैंटिलीवर ब्रिज का, क्योंकि यही जो पिक्चर आपने देखा है ना, ये है लंदन ब्रिज। ओके, अब ये हमने ये पूरा लेसन कंप्लीट कर लिया है। चलो रीड एंड रिकॉल कर लेते हैं और एग्जाम्पल्स हम रिविजन करेंगे इसका। ओके, मैनी पीपल वर्क टूगेदर टू बिल्ड अ हाउस। हाँ, बहुत सारे लोग ना मिलकर बनाते हैं, क्योंकि एकता में ताकत है। ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स एंड बिल्डिंग मटेरियल्स आर यूज टू बिल्ड अ हाउस। अलग अलग टाइप के टूल्स जो होते हैं ना, वो बिल्डिंग को बनाने के लिए होते हैं, एक घर को बनाने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल चाहिए हमें। ओके, ब्रिक्स आर द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट कॉमन बिल्डिंग मटेरियल। ये सबसे कॉमन है, सबसे ज्यादा कॉमन। ओके, ब्रिजेस आर यूज टू क्रॉस ओवर वाटर बॉडीज एंड रेलवे। ये ना वाटर बॉडीज के इधर ऊपर चलने के लिए होते हैं और रेलवे पे। ब्रिजेस आर ऑफ मेनी टाइप्स, पॉन्टून ब्रिज, आर्क ब्रिज, बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज एंड कैंटिलीवर ब्रिज। अब पॉन्टून ब्रिज अभी नहीं पढ़ोगे, आपको आपने सिर्फ अभी चार पढ़े हैं और आपको ये याद रखने हैं। ओके, अब एक्सरसाइजेस पे आते हैं। अब पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइजेस इसलिए होते हैं ताकि आप चेक कर पाओ कि आपको कितना आता है। ओके, द ओवन वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड आर कॉल्ड किल्न। किल्न एक ह्यूज ओवन है जहाँ पे ब्रिक्स को बेक किया जाता है।
ओके। डैश इंजीनियर्स लुक आफ्टर द कंस्ट्रक्शन पार्ट। सिविल इंजीनियर्स जो होते हैं ना वो लुक आफ्टर, वो देखते हैं कंस्ट्रक्शन के पार्ट को, यानी सिविल पे आप टिक लगाओगे। ओके, हु इज नॉट रिलेटेड टू मेकिंग ऑफ अ बिल्डिंग। अब आप यहाँ पे देखो आर्किटेक्ट, ये तो है, हमें क्या ढूंढना है, हमें ये ढूंढना है जो हमारे बिल्डिंग में नहीं काम होते हैं। आर्किटेक्ट ये तो बहुत काम होते हैं, इन्हीं से होता है। मैसन ये हमारे वॉल को बिल्ड करते हैं। कारपेंटर हमारा फर्नीचर बनाते हैं। और डिजाइनर हमारे लिए कुछ नहीं करते, तो डिजाइनर पे टिक करेंगे। ओके, डैश इज अ टेम्पररी ब्रिज। पॉन्टून ब्रिज इज अ टेम्पररी ब्रिज। आपने ये अभी नहीं पढ़ा है पर आगे चल के पढ़ोगे। अब लक्ष्मण झूला इज एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन ब्रिज। हाँ, लक्ष्मण झूला है वो सस्पेंशन ब्रिज। ओके, अब फिल इन द ब्लैंक्स। ब्रिक्स टेक अबाउट 36 आवर्स टू हाउस ब्रिक इन अ किल्न। आवर्स, सॉरी यहाँ पे हाउस लिखा है, ये आवर्स है। ओके, पॉन्टून ब्रिजेस कैन बी टेक अपार्ट आफ्टर यूज। जो पॉन्टून होता है ना वही After a part after use, clay soil is used to make bricks. Okay, Lakshman bridge is an example of suspension bridge. ये एक example है suspension bridge का. A pontoon bridge is made up of rubber boats. ये किससे बनाया? Rubber boats से. अब आगे के exercise पे चलते हैं. Name the following workers. ये आपका homework होगा. Okay, आप इसे अपना homework mark कीजिए और ये काम फटाक से कंप्लीट कीजिए। ओके, तो गाइस हमारा ऐसे ही ये लेसन कंप्लीट हो जाता है और हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट 5th स्टैंडर्ड पे। मैं आपको मिलती हूँ अगले 5th स्टैंडर्ड में, पर आदित्य आपको इंग्लिश आगे का पढ़ा लेगा। जल्दी से आपको आदित्य की हेल्प करनी होगी फटाक से कंप्लीट करने के लिए। आपको जल्दी से हमारे वीडियोस को देखना है और ऐसे ही हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। प्लीज सपोर्ट अस। बाय बाय।